नमस्कार, आप मेरे साथ इस फ्रेम में जिन शख्स को देख रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है। जाना पहचाना चेहरा इस नाते नहीं है कि ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, बल्कि इसलिए है कि इन्होंने एक बेहद कठिन समय में एक ऐतिहासिक काम किया है जिसकी मिसाल आमतौर पर नहीं मिलती। सुखविंदर जी, आपका नशा नवजीवन और फौजी आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहला बात आपसे ये करते हैं कि सरकार की बागडोर संभाले आपको अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे, जिस आप मेरे के पहले जुलाई में और 13 अगस्त में एक साथ द्वारा राज्य के ऊपर आवरण, लेकिन आपने जिस तेजी के साथ उसको संभाला, ये करिश्मा आपने कैसे किया, आप ये जानना चाहते हैं? करिश्मा ने तो मैं एमटी और इस ड्यूटी का निर्वाह करना मेरा दायित्व भी बनता था। निश्चित तौर पर जब आपका ये तो बहुत बड़ा संकट था, लेकिन मैं हर जगह फील्ड में पहुंचा और महसूस किया अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और सभी अधिकारी और मैं सही मंत्रिमंडल के सदस्य लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे सबसे दस्तार सब लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ सरकार का साथ दिया। और आज माहौल ये है कि दोबारा से हम खड़े हुए हैं। ये ठीक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए समय लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन आज सभी लोग समय को दिए है और सभी प्रकार के पर्यटकों को हम यही कहना चाहते हैं कि अब हिमाचल सुरक्षित है। खाना नहीं मिले, आप आइए, अपना ठंडा वातावरण, अच्छी ऑक्सीजन स्टाफ पाइए, और ये समय है कि हम आपदा से मरे और आपदा के बाद हम पुनर्खान की तरफ द्वारा जाइए। और जल्दी हिमाचल प्रदेश में जो वातावरण हिमाचल प्रदेश के प्रति बना पर वो स्वभाव वातावरण बन रोगा नजरिया बदलेगा। वो एक बात तो दीजिए, लीडिंग ग्राउंड ऑफ फ्रंट तो आपने वो काम किया है जिसकी वजह से हमने देखा है, मतलब हिंदी साहित्य कितनी तेजी से काम हो रहा है और बहुत तेजी के साथ चीज़ें सामान्य मिल रही हैं। लेकिन हम चूँकि संघीय व्यवस्था में आए, फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी कठिन समय के वक्त जो है राज्य के साथ खुद से गुना गुना करते हैं। केंद्र सरकार से आपको सिलसिल देखिए, केंद्र सरकार से अभी तक तो कोई सेपुल नहीं मिला, अभी तक फिर जो उनसे मिला है वो एडवांस जो हमारी डिजास्टर की बजट के अनुसार पूरे देश के राज्यों को उसके उसमें एडवांस मिल गया है। जबकि नड्डा जी वगैरह हमसे पूछते रहते हैं, लेकिन अभी तक जिस स्पेशल रिलीफ की पैकेज की हम बात करते थे वो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलता है कि नहीं मिलता है तो वो फिर पता होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से 3500 करोड़ का स्पेशल पैकेज शुरू है। और निश्चित तौर पर जो हमने केंद्र के नॉर्म के हिसाब से जो पैसे रहे हैं वो तो हमें मिलना ही है, क्योंकि वो जिसने बताया वो भी पर मिलते हैं स्पेशली पैकेज की पर छोड़ी रहे तो जो हमारा अधिकार है वो कम मिल सर उसके बारे में भी इंतजार कर रहे हैं। और बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज्य की इकाई है, इन्हें दरसभा की बैठक में हमने एक संकल्प लाया था और भारतीय जनता पार्टी ने और हिमाचल के हितों को ध्यान में न रखते वो की से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिसे स्पेशल भी पैकेज पारा जाए रोका दिया जाए, उसमें हमारे प्रस्ताव पर उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। तो भगवान सिंह जब तक जानते हैं कि हिमाचल के देशी ही से राजनीति के था। अभी देखा हमने जो अभी 20 सितंबर को शायद विधानसभा सत्र में जो अपने प्रस्ताव पारित करके वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा, केंद्र में प्रतिक्रिया मिल गई नहीं, केंद्र को हमने भेज दिया प्रतिक्रिया तो अभी दुश्मनी भी ना हुई भी और आशा है कोई देवी। हम वापस आपदा और राहत और रेस्क्यू के बारे में बात करना चाहते हैं और कई बातें हुई जिसके कारणों के ऊपर कई लोगों के अलग अलग लोगों के बयान आए, कुछ बातें आपने भी कही कि क्या कारण हो सकते हैं। आपने ये भी कहा था कि हम आकलन कर रहे हैं सारी चीज़ों का और कारणों का भी पता लगाने के लिए असेसमेंट प्रोसेस देते हैं, तो उम्मीद है वो काम चल रहा होगा, तो उसमें क्या कुछ निकलता है, क्या कारण रहा है? देखिए, ऊपर से कुदरती जो हुआ उस पर तो किसी का वश नहीं, लेकिन
उससे नुकसान कम हो इसको करने के लिए जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो उसमें कहीं कुछ कमी पेशी पहले थी? देखिए जो गौरवस्त हुए उससे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुँचा है, अत्यधिक बारिश जो हुई है उतने हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। जो बिजली प्रोजेक्टों के डैम बने हैं उस पर जब वो भर गए डेंजरस मार्ग पर चल गए तो उसने उसकी सबसे ज़्यादा पानी छोड़ने के बाद उन्होंने भी नुकसान पहुँचाया। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, चाहे इरीगेशन स्कीम है, चाहे बिजली की स्कीम है, सारी प्रभावित हुई है। अब इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद हमने पाया कि अभी प्रोटेक्टरी तौर पर से जोड़ा जा सके। और आप देखेंगे भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई हाल कर दें भी कोई रह चिट्ठा नहीं हुई, सब लोगों ने शांति से सरदा को सारा केंद्र की सरकार भी था जनता भी नजर बिराए रखी थी कि हिमाचल को हिंदू की बड़ी में कुछ देंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे यहाँ पर कुछ आया नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये सरकार के सारे चारे योजना को उन्होंने और उनके सबसे जनता बना तक मौसम की जनता खड़ी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता प्रस्ताव थे राष्ट्रीय आपदा का नाम लेने से भी करते रहे डरते रहे, स्पेशल रिलीफ पैकेज का नाम लेने से भी डरते रहे। फिर इस प्रकार में लोग जो राजनीति में हैं उन्होंने कौन सा दे देना था अगर एक आपसे व्यूअर्स में हो जाता तो भारत सरकार ने देखा तो इससे अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरे को तो ये भी दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चारों सांसद यहाँ से जीत भी उठे हैं उसमें से एक सांसद हमारे जो भी उसमें प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री किया श्रीमती प्रकाश सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, लेकिन तीन सांसद तो भारतीय जनता पार्टी को जो राज्यसभा सांसद एक ज्ञापन लेकर भी कहीं उन अमित शाह जी के पास नहीं गई कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो, स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दो, बीजेपी का विधायक दल भी नहीं गया। तो ये किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ मतलब के नहीं वोटों के लिए अपने गृह राज्य में इतनी बड़ी संकट आ गया है वो उसके बजाय राजनीति को ही सर्वोपरि मानने चल रहा है। इस समय राजनीति का समय नहीं था, आपका प्रदेश पर थी प्रदेश की जनता पर राजनीति करने ने हमारे कुछ चुनावों से तीन चार महीने बहुत मिलेंगे विधानसभा राजनीति करने का मौका मिला खूब राजनीति में, लेकिन जनता के साथ ना खड़ा होना ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है। ये जो बड़े बड़े जो खबरें आई के छड़के बह गई हैं या एन एच आई वाले रोड बह गए, लेकिन गाँवों में आम लोगों के सो पूरे नुकसान हुआ है, कहीं बरारे आए कहीं टूट गए, तो उनके लिए आपने कुछ जो रिलीफ मैनुअल उसमें क्या क्या बदलाव? देखिए हमने केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है वो और हिमाचल प्रदेश सरकार का रिलीफ मैनुअल के अंदर के मैनुअल सर आ रहा है, उसमें डर के पूरा तरह नष्ट हो जाने पर 1,00,000 की शुरुआत पर मिल पाओ, घर के पार्शली डैमेज होने पर 65,000 रुपये मिलता 6,500 बस। हाँ मैंने घर पहला हिंदुस्तान का हिमाचल प्रदेश राज्य होगा जहाँ घर के लिए हमने 7,00,000 रुपया कर दिया, बिजली का कनेक्शन हमने फ्री कर दिया, पानी का कनेक्शन फ्री कर दिया, जो सीमेंट की बोरी बगैर टैक्स काटने के बाद 280 रुपये की करती उन लोगों को, 16,000 परिवारों को सरकार जिसमें 3,500 दिन लोग उनके घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं 7,00,000 रुपये देगी और बाकी बचे घर जो पार्शली डैमेज हो गए उनको हमारी सरकार 1,00,000 नहीं, किसी की गाय भैंस मुर्गी उसको 55,000 रुपये देगी, गधा घोड़ा मुर्गी उसको 55,000 रुपये देगी, भेड़ बकरी चलेगी तो उसको 6,500 रुपये देंगे। तो हिंदुस्तान में ऐसा किसी ने नहीं रिलीफ पैकेज दिया होगा जो हमने स्पेशल स्कीम करके दिया जिसमें आज तक नहीं दिया होगा जिसमें हमने 7,00,000 रुपये घर उन्होंने मिल ये जिससे आप लोगों को बहुत निश्चित रूप से राहत तो वही होगी ऐसा माने। और एक चीज़ वो पंक्ति जी हमने देखी जब तुम दिल्ली से आ रहे थे कई जगह पहाड़ का कनौर होगा पहाड़ हमें लिखा एकदम स्टेट में जी डिग्री पे काटे जा रहे हैं, हमें लिखी पीते दिनों आई आई टी के कुछ प्रोफेसर के रिपोर्ट्स भी आई थी और काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर वाले इंजीनियर हुए उनका कहना है कि पहाड़ को 90 डिग्री पे काटने का मतलब है कि आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं,
निश्चित तौर पर जब भी सड़क बनती है, ऐसा नहीं कि 22,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बननी, जब महंगे डीजल पर बढ़ते तो लैंडस्लाइड्स वगैरह होती ही है, स्लोप में चलना चाहिए पहाड़ पर, और जब सड़क पहाड़ चढ़ता है तो उसको स्टेटस सेटल होने में 4 से 5 साल लगते हैं। तो 19 इंजीनियर काट दिया, अभी मिलकर रहने चाहिए ने उसको अनुभव किया, और जाने वाले समय पर वो शॉपिंग भी हुए इसमें बदलाव लेने के लिए उस दिशा में काम कर। एक बात यह हो रही है कि ओवर टूरिज्म है, मतलब दबाव है, टूरिस्ट का दबाव बहुत ज़्यादा है। अभी तो चूँकि आपदा आ गई थी तो कम हुआ है लोगों का, लोगों में थोड़ा हैवी हुआ है, और लेकिन ये बात है कि जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक शिमला है या मनाली है या धर्मशाला है, यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच रहा है, लेकिन उनके लिए वो दबाव नहीं छे पा रहे हैं। इस विषय में क्या क्या उपाय है? ओवर टूरिज्म की बात, हमारे यहाँ होम स्टेज भी है, कमरे भी पूरे, हमारे यहाँ टूरिज्म के होटल्स नहीं हो, दबाव नहीं खेल मार रहा है, इसका कोई नहीं है, इस हफ्ते से कुछ लेना देना वो पहले की भी इस हफ्ते से। यस, ओवर टूरिज्म जो शब्द है ठीक है, कई बार हम ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती है और उसके कारण ट्रैफिक चौक हो जाता है, उस व्यवस्था को ठीक सरकार ने करना, हम इस दिशा में अपील सौंप रहे, और हम तो चाहेंगे कि अभी 1.5 करोड़ टूरिस्ट आता तो 5 करोड़ टूरिस्ट आए, तो उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी लगा रहे हैं, सब जगह वो बना रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि इसको ओवर टूरिज्म कहेंगे तो ये गलत बात है, जितनी क्षमता हमारे पास है उतनी क्षमता का हम पूरा आत्मन करें। एक विचार तो लोगों के बीच डिस्कस हुआ है कि अब वक्त की जरूरत यह है कि शिमला जैसे ही टाउनशिप नए बनाएंगे, नए टूरिस्ट क्रिएट किए, और इस दिशा में सरकार कुछ करो। ये आप सही कह रहे हैं, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि कुछ स्पॉट बनाया और कुछ नए सिटी मिसाइज हैं, मैंने सरकार को आदेश दिया कि नए सिटी बनाया जाए, एक जाके देवी जगह वहाँ नई सिटी बचा रखने का कोशिश कर रहे, एक पालनपुर में हम नई सिटी बचाने बस कोशिश कर रहे, 75 साल में हिमाचल प्रदेश में नई सिटी नहीं लगी, दोनों जगह हम देख रहे हैं जहाँ पानी बहुत क्या तुमता वहाँ नई सिटी बने सकते। लेकिन ऐसा राज्य जहाँ की लगभग 65-70% लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड जंगल है, वहाँ पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में और उसके साथ हम पर्यावरण को भी ध्यान रखते हैं, तो दिक्कतें तो रहती है, दिक्कतें रहती है, लेकिन हमें शहर तो बसाना ही है ना, और एनवायरमेंटली फ्रेंडली शहर बना बसाने हैं, इस दिशा में ही हमारी सरकार काम कर रही है, और मुझे लगता है कि अभी तो काफ़ी स्टडी करेंगे और इसको 2-3 साल में आगे बहुत बढ़ा। ये जब आपदा आई तो बहुत सारे लोग साथ आए जो मैंने उन लोगों की मदद के लिए हाथ पर आए, और आपने भी अपने निजी खाते से वही क्या मंगवा के पाया जो राहत कोष बना था उसके उदाहरण की में, तो उस कोष का सही इस्तेमाल और लोगों को उससे ऐसी बातें काफ़ी राहत मिली है, मदद हुई है उस विषय में। नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे अपने बंधक तोड़ पर, चाहे वो कितना भी था सवाल पैसे का नहीं, सवाल आपका, बच्चे अपने बंधक तोड़ कर पैसे दे रहे थे, तो मेरे मन में भी विचार है, मैं मेरी प्रगति ऐसे ऐसे मैंने कोरोना काल में भी दान दिया सर, तो मैंने देखा भी मेरे अकाउंट में ऐसे तो जो सारी जमा पूंजी की उनने 51,000 रुपया आपका रात कोच में दिया, उसने बस बचे से 17,000 रुपये, और मुझे इस चीज़ की वो गम नहीं, क्योंकि अगर इन्हें बात सैलरी आ जाती है तो घबराने की बात नहीं मिलते थे, लेकिन ये निश्चित था कि मेरे मन में विचार था, और मैं जब आपदा आई कि तो भी बीजेपी की सरकार थी कोरोना काल में 11,00,000 रुपया और 19,00,000 रुपये दिया था, और जब कोरोना काल था तब जयराम ठाकुर जी ने पाया, जयराम ठाकुर जी बीजेपी की सरकार में भी मैंने पूरी इसका, तो ऐसी बात नहीं है, मतलब आप था कि मैं इस स्टेट का मुखिया हूँ, मुखिया होने के नाते जब बच्चे दे रहे तो मैं भी उसको मुखिया का भी, और आपको मैं बताऊँ ऐतिहासिक हमारे को पैसे कटिंग पेश, तो इस समय मुझसे ऊपर हमारे पास पैसा बैठा हो। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अभी शिमला को टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द नॉर्थ बनना चाहता है, लेकिन अब इसको टूरिस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहता है,
नहीं, मैंने ये कहा था कि नॉर्दर्न इंडिया क्या हिमाचल प्रदेश लंग्स है, इसमें कोई संदेह 68% यहाँ फॉरेस्ट कवर है, और फॉरेस्ट कवर का हमें कुछ मिलता नहीं है। केंद्र सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए इस फेडरल स्ट्रक्चर में कि जो अपने जंगलों को बचा कर रखती है, अपने जंगलों को संभाल कर रखती है, नए पौधा रोपण करती है, उसे कुछ ना कुछ कंपनसेशंस और फॉरेस्ट के मामले में मिलना चाहिए। इस दृष्टि से मैंने ये बात की। अच्छा, टूरिज्म कैपिटल के बारे में मैंने बात की थी। हम टूरिज्म कैपिटल हम कांगड़ा को बनाने जा रहे हैं, जिस पर बहुत अधिक हम चर्चा करेंगे। कुछ पॉलिटिकल बात करें जी। बोल, अभी विधानसभा में आप क्या जो हुआ उस पर बीजेपी का तो सबने देखा, आपने जिक्र भी किया उसका। केंद्र सरकार के पास आपका प्रस्ताव है, अभी तक दो हफ्ते होने को आने लगा और उनका अभी रिएक्शन नहीं आया। आखिर वो कौन सी चीज है जो बीजेपी संकट के समय में भी लोगों के साथ नहीं खड़ी है? ये उसका जवाब तो बीजेपी वाले दे सकते हैं। गलती की है उन्होंने, हम तो जनता की अदालत में बोलेंगे। हमारी सरकार है इसका मतलब ये नहीं, पर जनता को तो आपदा जनता पर आई ना, सरकार के द्वारा नहीं लाएगी, बल्कि वो तो आपदा प्रकृति के द्वारा लाएंगे। तो आप क्यों नहीं खड़े थे प्राकृति? हमारा कोई मुद्दा होता उस पर ना खड़े होते तो अलग बात थी। ये तो प्राकृतिक आपदा थी जो जनता पर आई थी और लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इस पर क्यों नहीं खड़े हुए? तो इसका मतलब है वो राजनीतिक त्रुटियां सीख। एक और पॉलिटिकल ही बात है, नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है, विपक्ष सारा एक साथ है और वो आगे भी बढ़ना है, ऐसी लगातार बातें और चीज़ें सामने आ गई। उसके साथ ही एक अलग किस्म की प्रतिक्रिया भी देखिए, बीते दो तीन दिनों की घटना है आपकी जानकारी में, इस पर आपका तो क्या सोचा है? देखो, जो घटनाएँ घट रही है लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जो गठबंधन बना है वो देश हित में है। और इस समय अगर मैं चाहूँ, मैं सब कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेतृत्व दे देना चाहिए इस झंडे को, नहीं तो ये रीजनल पार्टियों का ऐसे ही हाथ करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा के लोग सारी जगह है, तो वहाँ से मुझे लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को नेतृत्व लीडरशिप दे देनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस गठबंधन का नेतृत्व पास हो। मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं आना। तो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसको लेकर कोई अनुमान आपके मन में? ऐसा हाँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपने परमाणु से नीचे जाना ही नहीं चाहता, परमाणु के ऊपर ही रहना चाहता हूँ। दिल्ली वालों से पूछो आप। मैं एक बार इसके बारे में फिर से बात करना चाहता हूँ कि जो राहत का जो काम है, अभी चूँकि एक सवा महीना हो गया है आपका पहले, डेढ़ महीने से अभी वक्त हो गया है, वो कितने प्रतिशत तक हम संभाल सकते हैं? एक चीज़ और मैं उसके साथ पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान हुआ है, लाइक बड़ी पुरानी दस्या लॉज जहाँ पर मशहूर शिमला है, उनके नुकसान नहीं हुआ, वहाँ से लैंडस्लाइड। अच्छा, लैंडस्लाइड इमारत शिव बॉडी वाला लैंडस्लाइड है, वो वहाँ से शुरू हुआ, 20 लोगों की डेथ हुई, मरने को नुकसान। आपने जो अभी जिक्र किया शुरू में कि आप लोगों के जो जो मकानों को नुकसान हुआ उसके लिए आप उनको देश का सबसे बड़ा पैकेज दे रहे हैं, ये आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ होगा। हिमाचल जहाँ तक मेरी समझ है वो उसका तो उसके संसाधन में टूरिज्म है या फिर बागवानी वगैरह, तो बागवानी किसान जो सेब किसान है अपने पावर से, उनको भी आपदा से जाहिर सी बात है कुछ नुकसान हुआ होगा, उनके लिए आपने कुछ व्यवस्था की है? निश्चित तौर पर सेब का हमने ऐतिहासिक 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया, 75 साल में इतिहास में इतना बड़ा समर्थन मूल्य किसी भी बढ़ाया, हमने सेब का और आम का बराबर मूल्य कर लिया। ठीक, दूसरा जो आर्थिक की बात है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन हमने जो बजट में कुछ योजनाएं रखी थी उसमें हमने कट मारा, क्योंकि वो बजट की योजनाओं में हमने ये कहा कि पहले उन घरों को बसाना है,
इनकी पाई पाई तोड़ कर ये कर्म जुड़े हैं। उस दृष्टि से हमने अपने बजट पे कट मारा और अपनी व्यवस्था फॉर्म ठीक करने पर लगे हैं। नियमों में परिवर्तन चल रहे हैं, हर दिन नए आइडियाज़ को हम प्रोसीजर के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि 4 साल में हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिंदुस्तान को सबसे समृद्ध अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सरकार का दिसंबर में एक वर्ष हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीफ एंड रेस्पिट, एक साल की उपलब्धि में के तौर पर आप क्या चीज समझ रहे? कई व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो गया। अब कोई प्रसाद के प्रति कई चीज़ों को हमने बदला है और कई चीज़ों को हमने हम लोगों का विश्वास जीतने में समर्थ किया। लोग आज हमारी बात पर विश्वास करते हैं कि ये सरकार आके कुछ करेगी। पहली बार दूसरा भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है। सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने बंद किया जहाँ पेपर कीपर करते थे। कई योजनाएँ हैं, पीडब्ल्यूडी में जो टेंडर 60 दिन में लगते थे हमें 20 दिन में करवा दी। सब प्रकार के डिपार्टमेंटों में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ। हेल्थ के क्षेत्र में हम बिल्कुल चेंजिंग कर दिए जाए तो सभी क्षेत्रों में हम बहुत बदलाव करने जाए। उस आपदा के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई थी सरकार ने और वो जो कि वक्त की ज़रूरत भी थी वो कंटिन्यू है। उसको अभी रिव्यू करके उसको रिव्यू करके उसको मुख्यमंत्री जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके कि धंधा काम होता रहे, हिमाचल अपने पैर पर ना सिर्फ खड़ा हो बल्कि दौड़े और हमें समय देने के लिए।